क्या हो रहा है? ऐसे क्यों? क्योंकि मन कर रहा था, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ बैक पेन की वजह से। बेचारे, मतलब वो भी इतना समझदार हो गया कि वो आज लेटा है, उन्हें ऐसे लेटा नहीं है, वो इतने शांत हो इस तरीके से। शायद वो भी समझ गया कि पापा की तो ठीक है। पहली बात, पहली बार पापा के पास ऐसे सोया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके बैक का पेन ट्रिगर हो गया है और ये उस मौके का फायदा उठा के दोनों इतने प्यारे से, देखो ऐसे कटल करके सोए। क्योंकि रूहान को आदत हो गई है कि उसको गोद में लेके घूमते रहो तो वो सुकून से सो जाता है, लेकिन आज शोएब उसको लेके बैठ भी नहीं पा रहे हैं। उनके बैक में काफी ज्यादा इशू है और ऐसा पेन इन्हें लास्ट टाइम हुआ था, है ना? लास्ट टाइम दिवाली के आसपास हुआ था। करेक्ट, जब 4 दिन में शूट से मुझे ऑफ लेना पड़ा था, मतलब खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, वैसा इस बार फिर से। तो चलो आज शीतल, आज से इनका भी फिजियो स्टार्ट करेगी। एंड फिर हो गई शाम और आ गई शीतल शोएब का फिजियो करने के लिए। वो हमेशा जो भी टेंस मसल होता है उसे रिलीज करती है, देन उसके पास वो मशीन है वो लगा देती है। सो या इससे शोएब को काफी सारा आराम मिलता है। बात की जाए शोएब इब्राहिम की, जिनके बार बार होता है बैक पेन, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनको चलने में भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। पेन इतना ज्यादा है कि वो अपने बेटे बेबी रूहान को तक नहीं ले पा रहे हैं। रूहान से वो एक पल के लिए दूर नहीं रह सकते, जिसकी वजह से वो पास में ही बेबी रूहान को लिटा कर और बड़े आराम से लेटे हुए हैं। और बेबी रूहान भी कितने आराम से अपने पापा के पास लेटे हुए हैं। शोएब इब्राहिम के बैक पेन की वजह से काफी फैंस दुआएं कर रहे हैं। फैंस का कहना है कि बार बार पेन होना ये ठीक नहीं है, आखिर किस वजह से होता है ये बैक पेन। जिस तरह से शोएब इब्राहिम घर में ही फिजियो करा लेते हैं, तो फैंस का कहना है कि उन्हें अच्छे से डॉक्टर से ट्रीटमेंट अपना कराना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। अब आपसे ज्यादा चाहते हैं वीडियो पसंद आए, लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, दो में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।